गर्भवती चुड़ैल का इंटरव्यू। पंक्ति, जो 7 महीने की गर्भवती थी, अपने चेहरे पर कई तरह की टेंशन और हाथ में फाइल लिए रात के 10 बजे नीलेश के केबिन में हाफते हुए जाती है। सर, मे आई कम इन सर? ऐसा कहकर पंक्ति उसके केबिन में घुसकर चेयर पर बैठ जाती है। तभी बॉस नीलेश कहता है, हाउ डेयर यू कम टू माई केबिन, निकलो अभी इसी वक्त मेरे केबिन से। सिक्योरिटी, कहाँ हो तुम? सर, प्लीज मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मैं काम करना चाहती हूँ, प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए सर। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से। सर, प्लीज ऐसे मत कीजिए, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए सर, मेरी जिंदगी का सवाल है। नीलेश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बहुत बोलती है, जिसे तंग आकर नीलेश कहता है, ठीक है तो अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम पंक्ति शर्मा है, मैं यही अंधेरी में रहती हूँ और मेरे पति नहीं है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम इस कंपनी में काम कर पाओगी, लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी हो तुम, कोई एक्सपीरियंस है पहले का? नहीं साहब, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप अपनी कंपनी में मुझे काम सिखा देंगे तो मैं सब अच्छे से कर लूंगी। व्हाट रबिश, कोई काम नहीं आता फिर भी तुम नौकरी करना चाहती हो, और वो भी इस हालत में। सॉरी, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, तुम जा सकती हो यहाँ से। पंक्ति नीलेश के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और रोते हुए नौकरी की भीख मांगती है। सर, प्लीज मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी सर, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए प्लीज सर, मुझे मत निकालिए, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नीलेश उसका हाथ पकड़कर केबिन से बाहर करता ही है कि पंक्ति अपने डरावने रूप में आकर अपने लंबे नाखून वाले हाथों से उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बोला था तूने मुझे? तू मुझे नौकरी नहीं देगा? मैं तुझे नौकरी देने के लायक छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो क्या, तू किसी को भी नौकरी नहीं दे पाएगा। चुड़ैल, तुम चुड़ैल कैसे बन सकती हो? तुम तो अभी एक आम इंसान थी ना। आम इंसान थी, लेकिन तूने तो मेरी मदद नहीं की ना, इसीलिए मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ा। और जब चुड़ैल बन ही गई हूँ तो तुझे मौत भी तो वैसे ही देनी होगी ना, खतरनाक वाली। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल नीलेश को बेरहमी के साथ मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर किसी कंपनी में अपने इंसानी वेश में जाकर इंटरव्यू देती है और कहती है, सर मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगी, मैं प्लीज सर आप मुझे जॉब दे दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, प्लीज सर मुझे काम दे दीजिए। मैं तुम्हें काम दे देता पंक्ति, लेकिन तुम्हारी हालत अभी मेरी कंपनी में काम करने लायक नहीं है, तुम्हें कभी भी लेबर पेन हो सकता है, ऐसे में मैं कैसे काम दे दूं? कहीं तुम्हारी जान का खतरा हमारी कंपनी पर बना तो हमारी कंपनी तो डूब ही जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, तुम जा सकती हो। सर प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, मुझे उसकी जरूरतों के लिए कमाना है, प्लीज सर मुझ पर रहम खाइए, आप काम नहीं दे सकते तो मुझे कहीं और काम दे दीजिए, लेकिन मुझे काम दिला दीजिए सर। तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ, अब जाओ यहाँ से। क्या बोला तूने मुझे? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं? पर अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब तू नहीं बचेगा, मार डालूंगी तुझे भी। ये क्या हो गया तुम्हें एकदम से पंक्ति? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ। अब मुझे तेरी जॉब की कोई जरूरत नहीं है, तुझे मरना ही होगा, मार डालूंगी मैं तुझे। ऐसा कहते ही पंक्ति उसे भी बुरी तरीके से मार डालती है। इस तरह पंक्ति एक एक करके उन सभी कंपनी में जाती है, मगर कोई भी उसे प्रेगनेंसी की वजह से जॉब नहीं देता। ना सुनते ही पंक्ति उस कंपनी के बॉस को बेरहमी के साथ मार दिया करती थी। मार्केट में ये बात फैल जाती है कि अचानक से कुछ कंपनियों के बॉस मारे जा रहे हैं। तभी विक्रम नाम के आदमी के पास पंक्ति नॉर्मल इंसान की तरह उसके पास इंटरव्यू के लिए आती है और कहती है, सर प्लीज आप मुझे ठुकराना मत, प्लीज सर मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, मैं अपने बच्चे के लिए काम करना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। अरे अरे मिसेस पंक्ति जी, आप ये क्या कर रही हैं?
प्लीज आप ऐसे गिड़गिड़ाइए मत। और मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, पर मैं आपको एक बात कहूँ, आपकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है, आपको काम नहीं करना चाहिए। क्या आपके पति नहीं है? जी, मेरे पति नहीं है, इसलिए तो मुझे अपने बच्चे की इतनी फिक्र है। प्लीज सर, मेरा इंटरव्यू लेकर मुझे काम दे दीजिए। अंकित जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूँ। मेरे भैया आपको जॉब देने के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम मुझे पैसे दोगे? नहीं चाहिए मुझे। आखिर तुमने भी मुझे मना कर ही दिया, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। इसका मतलब वो चुड़ैल तुम ही हो जो इतने सारी कंपनी के बॉस को मार चुके हो अब तक। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। क्या तुम इसी वजह से चुड़ैल बन गई हो? बताओ मुझे, अपने भाई की तरह समझो मुझे। भावनाओं में बहकर चुड़ैल विक्रम को अपनी मौत की दास्तान सुनाने लगती है। आज से 3 महीने पहले की बात है, मैं 5 महीने की गर्भवती थी। तब मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। मैं बहुत बेबस हो गई। मेरे पति की जो जमा पूंजी थी उससे मैंने कुछ वक्त गुजारा कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे अपने बच्चे को खिलाने के लिए तो वक्त की रोटी की जरूरत थी, जिसके लिए मुझे काम करना था। जैसे तैसे मैंने आसपास झाड़ू पोंछे का काम करके पैसा कमाया, लेकिन मेरे 7 महीने पूरे होते ही मुझे वहां से निकाल दिया गया। यही सोचकर कि उस सिचुएशन में मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो थी ही। मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, लेकिन सब जगह मुझे निकाल दिया गया। मैं फिर से गई और एक दिन मैंने इंटरव्यू दिया तो तनेजा नाम के बॉस ने मुझे निकाल दिया। तब मैंने बोला, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं 7 महीने की गर्भवती अकेली बेसहारा हूँ। मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए नौकरी की सख्त जरूरत है। हर जगह मुझे मना कर दिया गया है, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो, प्लीज सर। अंकि, मैं तुम्हारी जान का रिस्क अपनी कंपनी पर नहीं ले सकता, इसलिए काम नहीं दे सकता। तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास जा सकती हो, कोई तो होगा तुम्हारा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। सर प्लीज, प्लीज सर प्लीज, काम की बहुत जरूरत है मुझे, काम दे दीजिए सर, काम। पंक्ति पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो ऑफिस से उसे बाहर निकलवा देता है। डिप्रेशन में आकर पंक्ति घर में फांसी पर लटक कर मर जाती है। बस तब से मेरी आत्मा भटकती है, फिर भी मैं इंटरव्यू देती हूँ, और जो मुझे नौकरी नहीं देता उसे मैं मार डालती हूँ। पंक्ति, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जैसी औरतों के लिए एक ऐसी संस्था खोलूंगा जहाँ वो आराम से काम कर सकेंगी। बेहतर होगा कि अब तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ, तुम्हारा बच्चा भी परेशान हो रहा है। पंक्ति, विक्रम की बात सुनकर पंक्ति की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद विक्रम पंक्ति से किए वादे को पूरा करता है।